तो हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको भी अगर प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए तो अमेज़न रिव्यू एंड अमेज़न रेटिंग आपको किस तरह से करनी है, तभी जो है आपको मैं खुद रिफंड दूंगा। जी अगर आपको अमेज़न से प्रोडक्ट बाय करना है और उसके जो पैसे है वो मैं आपको दूंगा। जी अगर आपको भी नहीं पता कि अमेज़न रिव्यू किस तरह से किया जाता है, मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था और सोचा कि आपके लिए सिर्फ अमेज़न रिव्यू के बारे में वीडियो बनाओ कि इसमें सिर्फ हम देखेंगे कि अमेज़न रिव्यू किस तरह से किया जाता है और नेक्स्ट वीडियो आएंगे कि अमेज़न रेटिंग किस तरह से की जाती है। तो गाइस आज हम इसके बारे में बात करने वाले कि अमेज़न रिव्यू किस तरह से किया जाता है। तो गाइस अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप सभी का अमेज़न अकाउंट होगा, अगर नहीं है तो भी आप 2 मिनट में क्रिएट कर सकते हो अमेज़न अकाउंट। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी कि अमेज़न अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, या फिर आप खुद ही टैलेंटेड हो आप खुद ही क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस अगर आपका नया अकाउंट है या फिर ओल्ड अकाउंट है, आप सबसे पहले आपके ऑर्डर सेक्शन में जाइए, आप देखिए कि आपने कितना अभी तक क्या ऑर्डर किया। अगर कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है तो आपको कम से कम अमेज़न से 3 मंथ में 1600 रुपये की शॉपिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो अगर आप शॉपिंग अगर करोगे तो आपके अकाउंट का जो रिव्यू है ना, मतलब रिव्यू करना स्टार्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आप रिव्यू भी कर सकते हो और रेटिंग भी कर सकते हो। कम से कम 1600 रुपये की आपको शॉपिंग करना ही करना है। अगर नहीं, आपको कुछ भी बाय नहीं करना है, अगर आप फ्लिपकार्ट से बाय कर रहे हो तो आप थोड़ा शॉपिंग अमेज़न से कीजिए, और 100-200 अगर ज़्यादा भी जाए, कॉस्टली हो जाए, तो भी आप अमेज़न से शॉपिंग कीजिए अभी के लिए, जैसे ही आपका जो अकाउंट है वो इनेबल हो जाए रिव्यू करने के लिए। अगर इस तरह से अगर दिखाई दे रहा है, ये जो स्क्रीनशॉट में डाल दे रहा हूँ आपको, तो अगर इस तरह से अगर दिखाई दे रहा है तो मान लीजिए कि आपका जो अकाउंट है वो अभी एक्टिव नहीं हुआ है, मतलब आप अभी रिव्यू नहीं कर सकते हो और आपको कम से कम 1600 रुपये की शॉपिंग करनी है, तभी जो आपका अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। इस तरह से अगर दिखाई दे रहा है, मतलब बड़ा स्क्रीनशॉट, मतलब बहुत जो लाइन्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, 5 to 6 लाइन, अगर इस टाइप से अगर दिख रहा है तो मान लीजिए कि आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया है, वो अभी रिव्यू करने के लिए स्टार्ट नहीं हो सकता है। आपको कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा, जो ईमेल आईडी दिखाई दे रहे हैं ना वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, तभी जो आपका अकाउंट स्टार्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका अगर एक्टिव नहीं है, अगर आपको इस टाइप से दिखाई दे रहा है तो आपको सबसे पहले शॉपिंग करना है, या फिर अगर नहीं किया तो भी चलेगा, कुछ भी 3 to 4 ऑर्डर लगा दीजिए कैश ऑन डिलीवरी पर। आपके एड्रेस पर अगर कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है वो क्या कीजिए, ऑर्डर आने दीजिए और कैंसिल कर दीजिए। हो सकता है कि आपका जो ऑर्डर अकाउंट है वो एक्टिव हो जाए, अगर हो जाए एक्टिव तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हो जाए तो आपको शॉपिंग करना ही पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं कि अमेज़न आपको रिव्यू किस टाइप से करना है। तो सबसे पहले आपको जो आपका अमेज़न अकाउंट है वो आपको ओपन कर लेना है, फिर उसके बाद आपने जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया है या फिर जिसका भी आपको रिव्यू करना है वहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइट अ प्रोडक्ट रिव्यू है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। मैंने इसका ऑलरेडी रिव्यू किया है, तो आपको इस तरह से 5 स्टार कर देना है, टाइटल में डाल देना है, ऐड टाइटल में गुड प्रोडक्ट ऐसा कुछ भी, और आप चाहे तो फोटो वगैरह अपलोड कर सकते हो, तो या फिर आप मतलब अगर फोटो अपलोड किया तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा रिव्यू लाइव होने के लिए, और यहाँ पे आपको कुछ भी गुड मतलब अच्छा डालना है 4 to 5 लाइन्स का, और आपको ये जो सबमिट है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। मैंने ये ऑलरेडी रिव्यू किया है, जैसे कि मैंने फिर से यहाँ पे दिखाया आपको कि रिव्यू सबमिट किया मैंने फिर से, तो आपको इस तरह से करना है। और आपने अगर रिव्यू किया है, आपको अगर चेक करना है कि आपने कितने रिव्यू किए हैं या फिर लाइव हुआ है, तो आपको अकाउंट में आने के बाद ये प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है और आपको चेक करना है। जैसे मैंने EAA है अपना फास्ट एंड अप का, तो ये इसका मैंने रिव्यू किया था, तो EAA का रिव्यू लाइव हो गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब जो मैंने रिव्यू किया इसका भी 1-2 दिन बाद लाइव होगा, तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। और आपको इसके अगर लिंक शेयर करनी है, ये है अपना रिव्यू है फास्ट एंड अप का, अगर आपको इसकी अगर लिंक शेयर करना है तो ये जो दिखाई दे रहा है सी ए फुल रिव्यू, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसका आपको एक स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे, और ये जो ऊपर है तो इसकी ये लिंक रहती है वो मुझे कॉपी करके भेज देनी है। और आपको रेटिंग किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये प्रोटीन है बिग मसल न्यूट्रिशन का, यहाँ पे आपको आना है राइट अ प्रोडक्ट रिव्यू, ये जो आपको स्टार दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको 5 करना है, और यहाँ पे जो सबमिट नाम दिखाई दे रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट निकलना है। और इस तरह से होती है रेटिंग,
जाए गए। आपको यहाँ पे सबमिट वगैरह कुछ भी नहीं करना है, बस ये स्टार भरना है और स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना ग्रीन नाम सबमिट का, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखा गया अपने अमेजोन रिव्यू करना बहुत ही ईजी है। तो अगर आप इस टाइप से अगर करते हो अमेजोन रिव्यू लाइव होने के लिए कम से कम 3 दिन 4 दिन तक लगता है, कम से कम 5 to 6 दिन भी लगता है कभी कभी। तो आपको इस तरह से करना है, जैसे ही रिव्यू लाइव हो गया उसकी जो स्क्रीनशॉट और लिंक मुझे शेयर करना है जो भी आप प्रोडक्ट लोगे ग्रुप से, और उसका जो रिफंड है वो मैं 10 से 15 दिन के अंदर आपको दे दूंगा। जैकस अच्छे अच्छे डील्स आते रहेंगी। अभी मैंने कुछ डील्स डाली नहीं है ज़्यादा, और अभी मैं डील्स नहीं डालने वाला हूँ कुछ दिन के लिए, उसके बाद मैं रेगुलर पे डील्स डालता रहूँगा। तो वैसे यही था आज का वीडियो। अगर आपको समझ में आया कि अमेजोन रिव्यू किस टाइप से करना है तो लाइक कर दीजिए, और नहीं भी समझ में आया तो वीडियो बैक लेके जाइए और फिर से देखिए। तो वैसे यही था आज का वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, सप्लीमेंट खाइए, बॉडी बनाइए, बजरंग बली, जय हिंद।